वेलकम टू आई लव लिटरेचर। लेट्स टॉक अबाउट इडिल। सबसे पहले इडिल का प्रोनंसिएशन आइडिल नहीं है, इडिल का प्रोनंसिएशन इडिल है। यू शुड प्रोनाउंस इट इडिल। नाउ व्हाट इज एन इडिल? अगर हम देखें तो इडिल अपने आप में कुछ भी नहीं है। इडिल ग्रीक में एक वर्ड है जिसका मीनिंग है अ लिटिल पिक्चर, अ स्मॉल पिक्चर। इडल हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ समथिंग। इडल कैन बी अ लिरिक, लिरिक हो सकती है, एपिक हो सकता है, बैलेड हो सकता है, प्ले हो सकता है। इट कैन बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स। एपिक हो सकता है, एपिक का पार्ट हो सकता है। सो इडल होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि इडल इज अ स्मॉल पिक्चर। अब पोएट कैसे बताएगा इडल को? तो पोएट अ फ्यू वर्ड्स में बहुत अच्छा किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देता है। पोएट गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ वट एवर द पोएट इज राइटिंग अबाउट। मे बी नेचर, मे बी कंट्री लाइफ, एनीथिंग दैट पोएट इमेजिन्स और वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट। और वो जो डिस्क्रिप्शन है दैट हैज टू बी अ वेरी वेरी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ला एलेग्रो ऑफ मिल्टन इज अ वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल। देन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इडिल। उसके बाद टेनिसन हैज ऑल्सो रिटन इंग्लिश इडिल्स। ब्राउनिंग हैज रिटन ड्रामेटिक इडिल्स। देन अगर मैं रूरल लाइफ की बात करूं तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखा है विलेज ब्लैकस्मिथ, जो विलेज से ही आपको पता चल रहा है कि कंट्री साइड की बात हो रही है। एंड इट्स एन इडिल बिकॉज इट हैज अ वेरी वेरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्री साइड। एंड देन वर्ड्सवर्थ हैज ऑल्सो रिटन लाइन्स रिटन इन मार्च। बाय द वे दिस इज द मार्च मंथ, वी आर टॉकिंग इन मार्च मंथ ऑफ 2022। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इडिल्स। नाउ इडिल इज नॉट ओनली डिस्क्राइबिंग वॉट इज देयर इन द नेचर। इडिल इज ऑल्सो अबाउट राइटिंग। इट इज ऑल्सो अबाउट राइटिंग वट एवर अ राइटर इमेजिन्स। अगर जो राइटर इमेजिन कर रहा है उससे अगर बहुत विविडली लिखते दैट इज ऑल्सो एन इडिल। तो इडिल की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ किसी नेचुरल सीन तक लिमिटेड नहीं है, किसी सीनरी तक लिमिटेड नहीं है, बट इट ऑल्सो गोज टू अ राइटर्स अ पोएट्स इमेजिनेशन। अगर हम इसकी इसके पास्ट में देखते हैं, इसके ओरिजिन में देखते हैं, तो एज आई सेड इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक लैंग्वेज। नाउ हु पॉपुलराइज्ड इट, हु एक्चुअली रोट इट इन ग्रीक लैंग्वेज? तो जैसा कि हमने सोनेट में भी बात करी थी, जब हम पेस्टोरल सोनेट्स की बात कर रहे थे तो हमने थियोक्रेटस की बात करी थी। तो थियोक्रेटस रोट इडिल्स। नाउ थियोक्रेटस की जो मोर देन हाफ ऑफ द इडिल्स थी वो पेस्टोरल पोएम्स बन गई। जैसा कि मैंने बताया कि इडिल्स अपने आप में कुछ नहीं होती हैं। इडिल इज अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी थिंग। सो हिज इडिल्स वर एक्चुअली पेस्टोरल पोएम्स। पेस्टोरल दैट मीन्स कि ही गेव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ। ही गेव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ a shepherd's life, or you know, while remembering shepherd. Now or any place for that sake. Now after Theocritus, Virgil wrote many idylls, and one of the famous examples is Virgil's eclogues. It is also called bucolics. So you should know that Virgil has written eclogues. Eclogues in itself is an idyll. Eclogues actually Virgil batata hai ki Rome mein kaise शेपर्ड लाइफ गुजारते हैं, कैसे फ्लूट बजाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद किस तरीके से ब्यूटीफुल नेचर है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्जिल बताता है कि उधर जो लोग हैं वो कितने दुखी हैं, क्योंकि जो अभी करंट रोमन एम्पायर है, आई मीन टू से व्हेन वर्जिल वाज राइटिंग इट, तो उस एम्पायर में पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर किंग्स। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैपन टू रीड इन हिज एक्लॉग्स। सो दीज आर फ्यू वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ
इडल्स. सो नाउ इट इज क्लियर टू अस कि इडल क्या होती है. इडल एक विविड डिस्क्रिप्शन होता है, एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है इन वर्ड्स ऑफ एनी प्लेस. इट कैन बी एनी सीनरी, अबाउट एनी सीनरी और अबाउट एनी नेचुरल ब्यूटी, और इट कैन बी अ पोएट्स इमेजिनेशन. अ पोएट कैन राइट अबाउट एनीथिंग ही इमेजिन्स. सो दैट इज कॉल्ड एन इडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. कीप लिसनिंग. आई लव लिटरेचर.